चलिए आप बाबा केदारनाथ के 2024 के लास्ट दर्शन कर लीजिए। बाबा केदारनाथ के दरबार में 6 महीने रहती हैं, 6 महीने नीचे रहती हैं। तो बाबा केदारनाथ की पालकी यहाँ पे अभी रेस्ट कर रही है। बाबा की डोली गरुण चट्टी पहुँचने वाली है। हर 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 बाबा की डोली जा रही है पंचमुखी ऊखी मठ के लिए। ये है बाबा के कुछ पल, जो ये पल देख लेता उसकी कभी मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो कभी भी नर्क को प्राप्त नहीं होता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपको अरुण की यात्रा में। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं केदारनाथ की पल पल की अपडेट आपके पास अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। फिलहाल दोस्तों, आज तारीख है 3 नवंबर और आज बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के जा रहे हैं सुबह 8:30 पे, और अभी हो गया है 8 बज गया है। तो पहले तो आप बाबा केदारनाथ के 2024 के लास्ट दर्शन कर लो और आज के मौसम के दर्शन कर लो, क्योंकि आज के बाद ये नज़ारे आपको और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को 6 महीने के बाद ही मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन कराते हैं और डोली के दर्शन कराते हैं और साथ में फिर उखी में चलते हैं। हर हर महादेव। चलिए आप बाबा केदारनाथ के 2024 के लास्ट दर्शन कर लीजिए। 2024 में लास्ट में कुछ ऐसे बाबा का दरबार सजा हुआ है। बाकी यहाँ पर भीड़ आज इतनी आई है कि भाई गिनती नहीं कर सकते, देख सकते हैं आप। और ये है बाबा 2024 के 3 नवंबर के दर्शन, ये देख सकते हैं कितना भीड़ हो गया है। बाकी दोस्तों, बाबा की पालकी यहाँ से 8:30 पे निकलेगी और उसके साथ ही हमें चलना है। बाकी फिर तो आप देख ही सकते हैं कितना भीड़ हो गया है भाई आज। तो दोस्तों, जब भी बाबा की पालकी यहाँ से ऊखीमठ के लिए जाती है ओम कालेश्वर के लिए, तो भाई यहाँ पे हजार में भीड़ हो जाती है। बाकी ये देखिए, कपाट बंद हो चुके हैं, ताला लग चुका है, सील लग चुका है, और अभी बाबा केदारनाथ के जो मेन दरबार है उसका कपाट बंद होने को रह गया। आपको 8:30 पे बाबा के कपाट बंद हो गए। बाकी आज का मौसम अच्छा है और आज से हम चल रहे हैं नीचे के लिए। भाई हमारे आर्मी वाले आ चुके हैं। हर हर महादेव। ये देखिए, बाबा को विदा कर रहे हैं अपने रिजो और रिजाव से। जैसे यहाँ के रिवाज हैं वैसे ही बाबा को विदा कर रहे हैं। ये देखिए, हर हर महादेव। पंचमुखी के आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और 6 महीना यही जो कि पंचमुखी टोली नीचे रहती है और 6 महीना ऊपर रहती है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है अभी बाबा केदारनाथ के नगरी का 3 नवंबर के सुबह के दिव्य दर्शन है। भाई आज हम अपने भोले बाबा को यहाँ से पालकी में बिठा के ले जाएंगे उखी मठ, है ना, उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर। सच में यार, हमें यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा यार। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ। आज से एक एक दिन गिनूंगा भाई, कब हमारे बाबा केदारनाथ 2025 में कब ओपन हो रहे हैं, और एक एक दिन मुझे गिनना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है ना, जब बाबा की कपाट जब ओपनिंग हो रहे थे ना, तब भी बाबा ने हमें दर्शन दिया भाई। 2 साल से कंटिन्यू हमारे बाबा हमें बुला रहे हैं, बहुत इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारा 4th टाइम हुआ ना यहाँ पे, 4th टाइम, मेरा 3rd टाइम। और भाई यहाँ प्रभु की लीला परम पा रहे यार, सच में बहुत अच्छा। ये देखो हमारे भैया भी मिल गए साथ में यार। हम लोग हर एक साल दर्शन करने आते हैं बाबा के ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे, और जब भी बाबा बीच में बुलाते हैं तो बीच में भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाकी आप लोग बताना, आप बाबा की डोली में कब शामिल हो रहे हो, 2025 में हो गए या नहीं हो गए। हम तो भाई अब भी हो रहे हैं और आएंगे 2025 में। बाकी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए। आज के हैं ये बहुत ही प्यारे मनमोहर
शुभ दर्शन देखिए बाबा केदारनाथ के 2024 के लास्ट दर्शन। तो भाई हमारे इन दोस्तों से मिले, ये हमारी वीडियो देख के आए छत्तीसगढ़ से, बाकी दर्शन हो गए आपके भाई? एक नंबर। अच्छा एक बताओ, बाबा की डोली ले जाके आपको कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। आप सीधा 6 महीना बाद खुलेगा तब फिर आएंगे, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर आओगे आएंगे। भाई देखो ये वीडियो देख के आए भाई, बहुत यार अच्छा लगा यार। हमारे भी कोई वीडियो देख के आता ना हमसे बोलता है कि आपकी वीडियो देखते हैं, इतना दिल भाई गदगद हो जाता है, क्या बताएं सच्ची में। भैया आप अच्छा वीडियो बनाते हो, मस्त अपडेट भी देते रहते हो। अब मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आपको बद्रीनाथ? हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे। अच्छा वहीं जा रहे हो? हम लोग पहले सोमनाथ जाएंगे उसके बाद बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा चलो भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, बाकी टोली के साथ चलते हैं ठीक है। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों आप बाबा के लास्ट बार दर्शन कर लीजिए, क्योंकि बाबा की डोली चली गई है और हम भी चलते हैं अब बाबा की डोली में शामिल होने के लिए। बाबा अगली बार जरूर बुलाना, नहीं बुलाया तो मैं पक्का आऊँगा, नहीं बुलाया तो मैं जरूर आऊँगा, कुछ भी हो जाए, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। जब भी मुझे बाबा बुलाते हैं मैं बीमार होता हूँ, 2 दिन में सही भी हो जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। तो लाइन से घोड़ों को लगा दिया गया है क्योंकि बाबा की डोली आ रही है और साफ सफाई कर दी गई है, और ये देखिए सभी घोड़े लाइन से लगे हैं, और हेलीकॉप्टर की सुविधा अभी स्टार्ट है क्योंकि हेलीकॉप्टर से जितनी जिनकी बुकिंग हुई है वो सब अभी हेलीकॉप्टर से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे भंडारा शुरू हो चुका है आर्मी की तरफ से, ये देखिए ये देखिए भाई, इन पहाड़ों से हमारे बाबा की डोली जाती है और बाबा दूल्हा बन के जा रहे हैं। ये देखिए ये जो दृश्य है वो बहुत ही किस्मत वालों को देखने को मिलता है। मुझे दो साल से कंटिन्यू देखने के लिए ये दृश्य मिल रहा है। ये जो पल है, इन पल को जो जिन्हें जी लिया उसे कभी नर्क की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग नहीं बुझाएगा। बाबा की डोली जा रही है पंचमुखी ऊखी मठ के लिए, ये है बाबा के कुछ पल, जो ये पल देख लेता है उसकी कभी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती है, और वो कभी भी नरक को प्राप्त नहीं होता है, वो हमेशा स्वर्ग को प्राप्त होता है। बाबा की डोली उस रास्ते से जाती है, और लेकिन हम लोग जाते हैं भाई इस रास्ते, शॉर्टकट रास्ता है, कम से कम 4 किलोमीटर का हमारा फेर बच जाएगा। ये देखिए खतरनाक, एकदम से खतरनाक रास्ता है, ये देखिए। अरे हमारे गुरुजी साथ हैं तो क्या टेंशन है, चेला को है ना गुरुजी? हाँ की डोली का साथ फिर से कर लिया, शॉर्टकट रास्ते से आए थे, बाकी ये देखिए हमारे बाबा की डोली जा रही है, उसके साथ हम भी चलेंगे। हर हर महादेव, महादेव। तो भाई बाबा की डोली में आए थे तो पेप्सी मिली थी पीने के लिए, चलो इससे पहले बैठ के पीते हैं और फिर आपको बाबा के दर्शन कराते हैं, देखते हैं कहाँ से अभी उतर के आ रहे हैं। भाई ये देखिए, ये है कुछ रामबाड़ा की तस्वीर, चलो अब नीचे दिखाते हैं, बाकी बाबा की डोली ऊपर से आ रही है और हम भी चल रहे हैं, थक गए हैं बहुत, मेरे पास बैठ है 15 kg, बहुत घुटन में दर्द हो रहा है। गाय जिस रास्ते से बाबा की का पालकी आती है, बाकी जो ये रास्ता है ना भाई अमरनाथ से बहुत ही कठिन रास्ता है, ये देखो भाई ये रही बाबा की पालकी। महादेव, ओ मेरे महादेव, 2025 में बुलाना, नहीं बुलाया तो मैं फिर से आ जाऊंगा। भाई क्या रास्ता खराब है यार, ये तो सही से भाई यार देखो क्या रास्ता है यार, सही से आना इस रास्ते पे ना भाई, बहुत ही चलने में दिक्कत होती है। बाबा के वो पल के आप दर्शन कीजिए जो बाबा केदारनाथ के दरबार में 6 महीने रहती है, 6 महीने नीचे रहती है। ये है बाबा केदारनाथ के देवों के देव महादेव के दर्शन। चलिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रामबाड़ा पे, और यहीं पे भाई अभी जो पुल टूटा था वो यही वाला पुल था, और अभी ये पुल फिर से बना दिया गया है, और 2013 की विपदा में यहीं से विपदा आई थी भाई, तो पूरा खंडर हो गया था ये देखो, बाकी अभी इस रास्ते से देखो घोड़ों ने भाई बहुत ही तबाही मजा रखी है। देखो भाई क्या रास्ता है बाबा केदारनाथ की आने और जाने की, ये देखो भाई कभी सोचा इस रास्ते से आप जाओगे? ये देखो बाबा की पालकी पहुंच चुकी है रामबाड़ा, और सभी भक्तगण
आगे चल रहे हैं, कोई पीछे चल रहा है। ये हैं हमारे देवों के देव महादेव की महिमा। भोले महादेव, भोले महादेव। तो बाबा केदारनाथ की पालकी यहाँ पे अभी रेस्ट कर रही है, और यहाँ पे देखो भाई भंडारा भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ लाइन में लगते हैं, पहले यहाँ से लेते हैं गिलास, यहीं से लेते हैं प्लेट। प्लेट कहाँ मिलेंगी? अच्छा यहीं से मिलेंगी। ये देखो भाई भी है, ये देखिए भाई खाना लेके आ गए हैं। चलो इसको पहले खाते हैं, उसके बाद में फिर पूरी लेके आते हैं। बाबा के साथ चलोगे ना तो भोजन सहित सब कुछ मिलेगा। तो अभी लंगर तो चख लिया है, भंडारा भी खा लिया है दोस्तों। अभी भंडारा खा के आ रहे हैं, तो देखो सामने भाई कितना भाई खूबसूरत झरना पड़ रहा है। ये देखो भाई ऐसी कुछ रातों से बाबा केदारनाथ की डोली जाती है। हर हर महादेव, महादेव महादेव महाधर महादेव महादेव। बाबा की डोली गरुण चट्टी पहुंचने वाली है, देख ही सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। ये देखिए देखिए दोस्तों ऐसी रातों से बाबा केदारनाथ की डोली जाती है। ये जो रास्ता अभी टूटा था 2024 में, जो अभी बरसात हुई थी सावन के टाइम पे, ये रास्ता अभी टूटी थी। अभी डोली गोरीकुंड पहुंचने वाली है। बाकी ये देखिए कितना सुंदर नजारा है बाबा केदारनाथ के दरबार का। हर 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 हर। भाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, अब आते आते हालत ख़राब हो गई यार, क्या होगा बाबा। दोस्तों बाबा केदारनाथ की पालकी पहुंच चुकी है गोरीकुंड, और ये है गोरीकुंड के कुछ पल। तो बाबा की पालकी गोरीकुंड पहुंच चुकी है, बाबा की पालकी गोरीकुंड पहुंच चुकी है। हर हर महादेव। चलिए गाइस बाबा की पालकी तो पहुंच चुकी है गोरीकुंड में, बाकी यहां पे अभी विश्राम करेगी, उसके बाद में फिर चलेगी यहां से। बाकी ये देखिए देखिए यहाँ पे आर्मी वाले भी सभी पहुँच चुके हैं, और बाबा की डोली भी गोरीकुंड मंदिर में रख दी गई है, यहाँ पे विश्राम करेगी। ये देखिए आर्मी वाले यहाँ पे बैंड बाजा के साथ में बाबा को विदा करके लाते हैं। तो भाई फ्रूटी तो ले लिया एक एक, बाकी ये देखिए क्या क्या है, पूड़ी है यहाँ पे, देखिए पूड़ी है, सब्जी है, और भाई बहुत आइटम है यहाँ पे। तो बाकी भाई हमने ये ले लिया है खाने के लिए। चलो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं डोली कहाँ जाती है। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों ये देखो भाई क्या आज लाए हैं खाने के लिए, यहाँ पर रखते हैं भाई पूड़ी और छोले और आलू की सब्जी है। बाकी भंडारा तो भाई बहुत चलता है यहाँ पे, जब भी बाबा की डोली आती है ना तो खाने की कमी नहीं रहती है। बाकी और भी एक चीज़ मिला आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई सेब बहुत कुछ मिलता है यार। हर हर महादेव।
से बाबा की डोली चल चुकी है यहाँ से, अभी यहाँ से बस निकल रहे हैं सभी लोग। तो भाई ये रास्ता अभी टूट गई थी, इसीलिए यहाँ पे एक नई रास्ता बनाई गई है। देखिए और बाबा की डोली आ चुकी है, देखो बाकी सोनप्रयाग आने वाला है। तो बाबा की पालकी पहुँच चुकी है सोनप्रयाग में, देख सकते हैं आप कितना भाई प्यारा दृश्य है। गाइज अभी बाबा केदारनाथ जी की पालकी सोनप्रयाग ब्रिज पे पहुँच चुकी है, देखिए बाकी आगे चल रहे हैं पुलिस वाले, पालकी धीमे धीमे से आगे चलते हुए आ रही है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना है। दोस्तों बाबा केदारनाथ की पालकी सोनप्रयाग में एंटर कर गई है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है भाई, यहाँ पे भीड़ बेकाबू होती दिख रही है। और आर्मी देखो, आर्मी वाले आगे बैंड बजा रहे हैं। चलो अभी मैं आपको बाबा के आर्मी के पास लेके चलता हूँ। बाबा की डोली रामपुर में पहुंच चुकी है और यहाँ पे भाई चल रहा है भंडारा, ये देखो सभी लोग भाई भंडारा खा रहे हैं। बाकी हम भी चलते हैं भाई लाइन में लगने के लिए, बाकी आज की रात हम यहीं पे रुकेंगे और कल जाएंगे बद्रीनाथ। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो भाई YouTube चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस, ताकि आपके पास पल पल की अपडेट आती रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।